क्वेश्चन नंबर चौबीस था ना चौबीस और पच्चीस बचा है देख लो ऑल फ्रूट्स आर फ्लास ऑल आर आर ऑल फ्रूट्स फ्लास एंड ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल सारे फ्लावर क्या हैं ब्यूटिफुल हैं फ्रूट फ्लावर एंड ब्यूटिफुल ठीक है नंबर कर दिया हमने आगे बढ़ते हैं तीसरा स्टेटमेंट है सम ब्यूटिफुल थिंग्स आर गोल्ड तो ये ब्यूटीफुल की ही बात हो रही है तो सम ब्यूटीफुल आर गोल्ड मतलब ये है इसका सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर गोल्ड एंड सम गोल्ड आर सिल्वर सम गोल्ड आर सिल्वर सम गोल्ड आर सिल्वर एक मिनट एक मिनट लेट मी चेक द थिंग्स वंस कुछ गड़बड़ तो नहीं है नहीं आप ही के बैच के है ना आपके बैच में सिलोजिज्म कराया था ना बेटा हाँ फाउंडेशन बनी है ठीक है ठीक चल तो अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं सम फ्रूट्स आर गोल्ड Some fruits are gold. ठीक है चलो सम फ्रूट्स आर गोल्ड तो देखो बेटा गोल्ड गोल्ड का फ्रूट का नंबर क्या है वन गोल्ड फोर फाइव सिक्स वन और फोर फाइव सिक्स क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है कॉमन नहीं तो कंफर्मेशन नहीं देते और जहां भी कंफर्मेशन नहीं देते वहां उसकी पॉसिबिलिटी क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है, है बेटा जहां भी कंफर्मेशन नहीं होती उसका आंसर क्या करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन तो पहले का आंसर क्या आएगा कैन नॉट डिटरमाइन कुछ भी कॉमन नहीं सेकंड देखो सम गोल्ड आर सिल्वर तो गोल्ड बेटा फोर फाइव सिक्स है और सिल्वर सिक्स और सेवन है इन दोनों में ध्यान से देखो सम पूछा गया तो कम से कम एक नंबर कॉमन होना चाहिए एक कॉमन नंबर दिखने लगा इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है ट्रू है ये डेफिनेटली क्या है ट्रू है सम फ्लावर्स आर फ्रूट फ्लार क्या है वन टू फ्रूट क्या है वन क्या दोनों में एक नंबर कॉमन जी कॉमन है कॉमन है तो ये भी ट्रू होगा सॉरी मैंने कैन नॉट डिटरमाइन लिख दिया ये ट्रू होगा ठीक है दोनों में सिक्स कॉमन था ये ट्रू दोनों में वन कॉमन है ये ट्रू लास्ट वाला देखो सम सिल्वर आर फ्रूट्स सम सिल्वर आर फ्रूट्स सिल्वर का पार्ट सिक्स सेवन फ्रूट का पार्ट वन क्योंकि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं कॉमन नहीं तो कंफर्मेशन नहीं हमारा आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन यानी इसमें आंसर करेंगे ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड इसका आंसर क्या होगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोस ये आंसर करेंगे ठीक है ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो चलिए पच्चीसवा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर पच्चीस Question number purchase All monkeys are dears. all monkeys are deers all deers are cows all deers are cows and all cows are buffalo all cows are buffalo ठीक है all cows are buffalo चलिए अब इस पर कंक्लूजन देखिए पहला है all monkeys are buffaloes ऑल मंकीज आर पहला क्या है ऑल मंकीज आर बफेलो समेलोज आर मंकी थर्ड समोज आर मंकी ऑल डियर मंकी ओके ध्यान से देखिए मंकी की बात करें वन और बफेलो में तो ये सारे आ जाएंगे सारे के सारे वन टू थ्री फोर ऑल मंकी ऑल मंकी मतलब मंकी का सारा नंबर तो मंकी का ऑल पार्ट क्या है वन ही है क्या ये वन बफेलो में कॉमन है कॉमन है इसका मतलब ये ट्रू है है ना सारे के सारे मंकी का जो नंबर है मंकी के अंदर जितने भी नंबर है वो सारे बफेलो में भी दिख रहे हैं कॉमन दिख रहे हैं इसका मतलब ये ट्रू है सम बफेलोज आर मंकी सम का मतलब होता है कम से कम एक नंबर कॉमन हो तो एक नंबर कॉमन दिख रहा है ये भी ट्रू है थर्ड देखिए मंकी क्या है वन सम है यानी एक नंबर कॉमन है यानी ये भी ट्रू है एंड ऑल डियर्स आर मंकी तो डियर का पार्ट क्या है वन टू मंकी का पार्ट क्या है वन ऑल डियर ऑल डियर मतलब डियर के अंदर जो भी नंबर है है वो कॉमन कॉमन होना चाहिए वन तो बेटा है, लेकिन टू मंकी के साथ कॉमन नहीं है और अगर टू मंकी के साथ कॉमन नहीं है यानी हम इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकते और कंफर्मेशन नहीं देने का मतलब क्या होगा इसका आंसर क्या होगा कैन नॉट डिटरमाइन डिटरमाइन कैन नॉट यानी केवल तीन सही है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चौथा सही नहीं है यानी इसका आंसर करेंगे only वन टू and थ्री follows. ये तीन फॉलो होंगे बारह नंबर बेटा बता दिया था बारह नंबर कहा नहीं बताया अविनाश बारह नंबर मैंने बता दिया बेटा कहां थे आप आगे का भी कुछ बताने दो यार तुम लोग वही अटके हुए हो इसको तो और अच्छे से समझाया था क्वेश्चन नंबर बारह यही करवाते रहोगे तो आगे नहीं कर पाएंगे फर्स्ट और फोर में वही डिफरेंस है फर्स्ट और फोर में वही डिफरेंस है जो डिफरेंस ज्योति पूछ रही है ना ज्योति त्यागी फर्स्ट और फोर में क्या डिफरेंस है वो पूछ रही है फर्स्ट और फोर्थ में फोर्थ में बस उतना ही डिफरेंस है जितना डिफरेंस आप कमरे के अंदर है और कमरा आपके अंदर है मैं दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ज्योति त्यागी आप कमरे के अंदर हैं और कमरा आपके अंदर है दोनों में डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट में वही डिफरेंस यहां है यहां छोटा वाला बड़े वाले के अंदर है है। यहां बड़ा वाला छोटे वाले के अंदर है कंफर्म नहीं कर सकते चलो यहां तक की कहानी अगर हो गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमने नॉर्मल कंक्लूजन पर काम करना सीख लिया है हम, हमें हमें यह भी पता चल गया है कि हमें अपने कंक्लूजन का आंसर कितने पार्ट में करना है तीन पार्ट में करना है तीन पार्ट में हम लोग करते थे ठीक है क्या क्या पार्ट था या तो कंक्लूजन ट्रू होते थे या कंक्लूजन फॉल्स या कैन नॉट डिटमाइन माइक बेटा ऊपर ही है माइक ऊपर ही है क्यों आवाज कम आ रही है क्या आवाज कम आ रही है क्या आर्यन और किसी को भी वॉइस से रिलेटेड इशू है बेटा वॉइस से रिलेटेड इशू हो तो बताओ वॉइस से रिलेटेड इशू हो बताओ बाकी बच्चों को कोई इश्यू नहीं है मतलब मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम अब आपके एंड से चलिए अब बढ़ते हैं जरा अगले चीज को यहां समझने की बात करते हैं और वो है केसेस ऑफ पॉसिबिलिटीज केस ऑफ पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी यानी हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं इसे संभावना अच्छा हम संभावना में बातें कब करते हैं हम संभावना में बेटा बातें कब करते हैं जब किसी चीज का कंफर्मेशन नहीं होता है वेन वी आर नॉट श्योर बिल्कुल सही बोला बेटा बिल्कुल सही हम पॉसिबिलिटीज में बात वही करते हैं जहां हमारे पास किसी तरह की कोई श्योरिटी नहीं होती जैसे आने वाले एग्जाम में आपका रिजल्ट क्या होगा ये अभी हम श्योर sure नहीं कर सकते तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल पास इन द एग्जामिनेशन एंड देर इज वन मोर पॉसिबिलिटी दैट यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन तो अभी पास होने की पॉसिबिलिटी भी है और पास नहीं होने की भी एक पॉसिबिलिटी है क्यों क्योंकि अभी रिजल्ट कंफर्म नहीं है तो जहां कंफर्मेशन नहीं होती है वहां पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं मेरी बात समझ में आई बेटा जहां कंफर्मेशन नहीं होती है वहां पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं यानी सिंपल सी बात अभी तक जो कंक्लूजन हमें इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलता था सम ए आर बी अब वही कंक्लूजन आपको लिखा हुआ मिलेगा सम ए बी बी इज अ पॉसिबिलिटी या तो ऐसे लिखा हुआ मिल जाए या ऐसे लिखा हुआ भी मिलता है कभी कभी दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ए आर बी ठीक है क्लियर बेटा तो देखो ध्यान रखना सम ए आर बी जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने बात किया था हम अपने कंक्लूजन का आंसर कितने पार्ट में करते हैं तीन पार्ट में करते हैं क्या या तो ये कंक्लूजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा या कैन नॉट डिटरमाइन होगा है ना बेटे या तो हमारा कंक्लूजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा या कैन नॉट डिटरमाइन होगा क्लियर है मेरी बात अब जब बात आती है पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन को कैसे चेक करते हैं इसका बड़ा सिंपल सा रूल आपको मैं बताता हूं अगर किसी कंक्लूजन का आंसर हमने ट्रू कहा या फॉल्स किया दोनों ही केसेस में हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा अगर किसी कंक्लूजन का आंसर हम कंफर्म ट्रू बोल रहे हैं या कंफर्म फॉल्स बोल रहे हैं डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स तो हम तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास कंफर्मेशन होगी समझ रहे हैं मेरी बात को डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स हम तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास कंफर्मेशन होगी तो किसी कंक्लूजन का अगर हम आंसर ट्रू या फॉल्स करते हैं और उस कंक्लूजन के आगे अगर पॉसिबिलिटी एड हो जाए तो भैया वहां कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती क्यों क्योंकि वहां मामला कंफर्मेशन का है वहां मामला कंफर्मेशन का है मेरी बात समझ में आ रही है ठीक है यस नो पॉसिबिलिटी केवल और केवल वही ट्रू होगी जहां कंक्लूजन का आंसर हमने कैन नॉट डिटरमाइन किया होगा यानी जिस कंक्लूजन का आंसर हमने कैन नॉट डिटरमाइन किया उसके आगे अगर पॉसिबिलिटी ऐड कर दी जाए तब वो ट्रू होगा मेरी बात क्लियर है यस आशीष जी हाँ पॉसिबिलिटी का मतलब क्या देर इज अ केस इट कैन बी ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशंस हो सकती हैं भी हम पॉसिबिलिटी टर्म का यूज करते हैं कुछ नहीं करना हम इस कंक्लूजन का आंसर तीन पार्ट में करते हैं ट्रू फॉल्स या कैन नॉट डिटरमाइन हमने अभी बात किया कि हम पॉसिबिलिटी को तभी किसी चीज की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं होता और हमने अभी सीखा है सिलोजिज्म में कि जब हमारे पास आंसर की कंफर्मेशन नहीं होती तो हम अपना आंसर करते कैन नॉट डिटरमाइन यानी जिस कंक्लूजन का आंसर हमने कैन नॉट डिटरमाइन किया है अगर उसके पीछे पॉसिबिलिटी लगी हुई है तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा आशीष तिवारी जी तो अब हमें काम क्या करना है कुछ नहीं जैसे हम नॉर्मल कंक्लूजन अभी तक 25 क्वेश्चन किया ना बिल्कुल वैसे ही काम करना है यानी आपके पास अगर ये लिखा हुआ है सम ए बींग बी इज अ पॉसिबिलिटी तो आप इसे मानकर चलेंगे कि यहां मैंशन है सम ए आर बी क्या मानोगे क्या लिखा हुआ है सम ए आर बी ये मानकर चलोगे क्या ये नॉर्मल कंक्लूजन बन गया हमारा पहले ये बताओ क्या ये नॉर्मल कंक्लूजन बन गया यस 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 अब अगर ये नॉर्मल कंक्लूजन बन गया बेटा तो हम इसका आंसर तीन पार्ट में कर सकते हैं ट्रू फॉल्स या कैन नॉट डिटरमाइन यही तीन में से तो एक आंसर आएगा या तो ये कंक्लूजन ट्रू होगा या ये कंक्लूजन फॉल्स होगा या ये कंक्लूजन का आंसर हम क्या कर रहे होंगे कैन नॉट डिटरमाइन कर रहे होंगे तो अगर इस कंक्लूजन का आंसर ट्रू आ गया तो इसके आगे लगी पॉसिबिलिटी है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें फॉल्स में अगर इस कंक्लूजन का आंसर ट्रू आ गया और इसके आगे लगी है पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी लगते ही ये क्या बन जाएगा फॉल्स बन जाएगा क्योंकि कोई ट्रू कंक्लूजन जो ट्रू है वो ट्रू है पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती वहां इसी तरह अगर इस कंक्लूजन का आंसर फॉल्स आ गया तो भी इसके आगे लगी पॉसिबिलिटी तो भी इसका आंसर क्या हो जाता है फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी का आंसर क्या करेंगे फॉल्स ही करेंगे और अगर इस पार्ट का आंसर आपने किया कैन नॉट डिटरमाइन और इसके आगे पॉसिबिलिटी लग गई है तो कैन नॉट डिटरमाइन की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी ट्रू होगी कैन नॉट डिटरमाइन की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी ट्रू होगी बोलो ठीक है यस yes, नंदनी बताओ कितना सिंपल हो गया पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी भी तो नॉर्मल कंक्लूजन बन गया बेटा यानी अभी आपने जितने 25 क्वेश्चन किए हैं उन सभी कंक्लूजन के आगे, आगे। तो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी किया है तो पॉसिबिलिटी अगर कंक्लूजन का आपने जितने भी कंक्लूजन का आंसर हमने कैन नॉट डिटरमाइन किया है उसके आगे पॉसिबिलिटी लगा दो सारे ट्रू हो जाएंगे ठीक है इसलिए हमने शुरुआत में थोड़ी मेहनत कर ली थी कि हम नॉर्मल कंक्लूजन को अगर समझ ले तो हमारी कहानी यहीं से बन जाएगी एक दो क्वेश्चन मैं बोर्ड बोर्ड पर कराऊंगा आपको ठीक है board पर दो चार क्वेश्चन करेंगे ना तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक तो दो चार क्वेश्चन जरा मैं लेता हूँ पॉसिबिलिटी कोशिश करता हूं ना आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ले लू आपको भी अच्छा लगेगा है ना थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर भी हो जाएगा उसका काम भी हो जाएगा सॉरी बेटा एक्चुअली क्या हुआ ना कि स्केड्यूल जो है वो आपका रिवाइज होकर आया था तो मैंने पहले स्केड्यूल के हिसाब से अपना सारा प्लान किया हुआ था कि आपको क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है कितने बजे से पढ़ाना है अचानक से मैंने जब देखा कि रिवाइज भी हुआ है कुछ मैटर तो वो जो रिवाइज स्केड्यूल था वो मैं देख नहीं पाया था जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया वरना आपकी क्लास बारह से होनी चाहिए थी ठीक है तो वो रिवाइज शेड्यूल नहीं देख पाना मेरी गलती दैट इज माई फॉल्ट तो मेरे पार्ट की मिस्टेक है आई एम सॉरी फॉर दैट सारा प्रैक्टिस सेट है सो का सो पीओ भी चलो ये लिखो स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूं यहां पर ठीक है नोट करना है सम पेन्स आर इरेजर्स ऑल शार्पनर्स आर इरेजर्स सॉरी ऑल शार्पनर्स आर पेन माफ करना ऑल शार्पनर्स आर पेन अच्छा कंक्लूजन देखिए पहला कंक्लूजन है ऑल शार्पनर्स बीइंग इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल शार्पनर्स बीइंग इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी सेकेंड है ऑल इरेजर्स बीइंग is a possibility is a possibility आओ चलो बेटा चेक करते हैं बेटा उसकी पीडीएफ नहीं जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो पीडीएफ नहीं ये मैं लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा हटके स्केड्यूल से हटके अगर आप इसको मतलब इस, जो आपका मैंने बनाया हुआ है मैटर अगर आपको केवल वही करना है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं मुझे कराने मेरे लिए तो और भी आसानी रहेगी लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपके डायरेक्ट पेपर के क्वेश्चन कर रहा हूं जिससे आपको भी एक आइडिया लगे कि क्या लेवल है पेपर का ठीक है चल इसको देखो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं काम कैसे करना बड़ा सिंपल सा काम जो करते आ रहे थे वही कर रहे हैं बस रूल दिमाग में एक रख लेना अगर हमने किसी कंक्लूजन का आंसर ट्रू किया और उसके आगे लगी पॉसिबिलिटी तो वो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ट्रू कंक्लूजन की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होती अगर हमने किसी कंक्लूजन का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन करते हैं तब उसकी पीछे पॉसिबिलिटी जो लगी होती है वो ट्रू होती बस इतना ध्यान रखना कैन नॉट डिटरमाइन के पीछे की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी आओ चलो देखो सम पेन्स आर इरेजर शार्पनर्स आर पेन तो पहले हम ये बना लेल शार्पनर्स आर पेन ऑल शार्पनर्स आर पेन अब बना लिया समे बना लिया ठीक है सम पेन सर इरेजर तो वन टू थ्री फोर ठीक है बेटा क्लियर अब ध्यान से देखिएगा आप चेक करेंगे इस पार्ट को पहले और इस पार्ट को नॉर्मल कंक्लूजन की तरह मानेंगे क्या मानेंगे नॉर्मल कंक्लूजन की तरह मानेंगे इस पार्ट को कैसे मानना है नॉर्मल कंक्लूजन की तरह मानना है ठीक है यानी इसे मानेंगे हम ऑल शार्पनर आर इरेजर ये मानेंगे तो शार्पनर का पार्ट क्या है वन और इरेजर का पार्ट क्या है थ्री और फोर ध्यान से देखो क्या वन और थ्री और फोर के बीच कोई कनेक्शन पता है पॉजिटिव या निगेटिव क्या पॉजिटिव या निगेटिव कनेक्शन पता है क्या वन और थ्री फोर के बीच कोई पॉजिटिव या निगेटिव कनेक्शन पता है नहीं पता है अगर पॉजिटिव या निगेटिव रिलेशन नहीं पता है इसका मतलब वन का थ्री फोर के साथ रिलेशन हमें क्लियर नहीं यानी वन का थ्री फोर के साथ रिलेशन अगर क्लियर नहीं है यानी इस पार्ट का आंसर तो कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा है इस पार्ट का आंसर क्या आ रहा है कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा है और अगर इस पार्ट का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा है और इसके आगे क्या लग गई पॉसिबिलिटी तो कैन नॉट डिटरमाइन प्लस पॉसिबिलिटी कैन नॉट डिटरमाइन प्लस पॉसिबिलिटी आंसर क्या होगा ट्रू होगा यस 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 आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा था इस पार्ट का आगे पॉसिबिलिटी लगी ट्रू हो गया दैट्स इट बस अभी तक जो काम कर रहे थे उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है क्या कि पॉसिबिलिटी ऐड करने के बाद क्या होगा बस इसी तरह इसे चेक करो तो नॉर्मल कंक्लूजन मानकर क्या मानेंगे ऑल ई आर पी अब ई e का पार्ट है थ्री फोर पी का पार्ट है वन टू थ्री ऑल ई e का मतलब सारे ई e को पी के अंदर जाना है थ्री तो है अब इस फोर का रिलेशन वन टू थ्री से क्या पॉजिटिव या निगेटिव कुछ पता है तो फोर के बारे में वन टू थ्री से कोई पॉजिटिव निगेटिव हमें पता नहीं है अगर कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव पता नहीं है यानी इस पार्ट का भी आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा यानी फोर का रिलेशन अभी वन टू थ्री से एग्जैक्ट क्लियर नहीं है तो अगर फोर का रिलेशन वन टू थ्री से क्लियर नहीं है यानी इस पार्ट का आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन और अगर इस पार्ट का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन है इसके आगे लगी है पॉसिबिलिटी तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा यानी आंसर करेंगे बोथ फॉलोस बोथ फॉलोस वन एट टू बोलो जी ये समझ में आया कोई दिक्कत बेटा किसी को कहीं समझने में कोई दिक्कत हो कितना आसान है अगर हमने नॉर्मल वाले केसेस किए हैं ना तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें कुछ रखा ही नहीं है ये तो हम हंसते खेलते उड़ा देंगे इसे तो अभी तक जितने हमने किए हैं पहले वाले उसी के बेसिस पर ये पूरा हो जाएगा चलो देखो ये डिपेंड करता है ना हम लोगों के साथ आप लोग अच्छे बच्चे हैं इसलिए आप लोगों के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई वरना बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत होती है क्यों क्योंकि बच्चे अड़े रहते हैं कि हम जी दो ही पार्ट में आंसर करना सीखेंगे ट्रू पता चल गया बाकी सारे अब यहां पर मामला आके फंस जाता है अगर आप कैन नॉट डिटरमाइन वाले पार्ट को भी फॉल्स मानने लगोगे तो इसकी पॉसिबिलिटी तो ट्रू जानी है लेकिन फॉल्स वाले की पॉसिबिलिटी तो फॉल्स जानी है फिर बच्चे यहां आकर अटकते हैं इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन और दो चार करा दे रहा हूं पॉसिबिलिटीज में दिक्कत नहीं है देखो कुछ चीजों का बेसिक सेम था इसलिए मैंने वो बेसिक आपका वहां से करा दिया अब इसका एडवांस लेवल ये पॉसिबिलिटी वाला है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अगर पॉसिबिलिटी का रूल क्लियर हो गया है तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी आएगी लेकिन आगे एक और नया टर्म सीख लेते हैं और फिर हम लोग पॉसिबिलिटीज पर आएंगे ठीक है बेटा एक और नया टर्म आपको सिखा दू ठीक है अभी जो लेटेस्ट एग्जाम में चल रहे हैं क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में चल रहे हैं उसकी अगर थोड़ी सी बात करी जाए या रुक जाओ अभी एक दो पॉसिबिलिटी और करा ही देता हूँ थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा पीछे के क्वेश्चन निकाल के देख लेते कोई बात नहीं मेरे ख्याल से का पेपर छोड़ो बेटर है कि मैं मैगजीन से ही फटा फटाफट निकाल के करा दूं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन अच्छा इसका आंसर अब आप लोग करोगे ठीक स्टेटमेंट है ऑल पेपर्स आर वुड मैं सारे के सारे कोशिश कर रहा हूं आपके प्रीवियस ईयर पेपर ये आईबीपीएस पीओ का है ऑल पेपर्स आर वुड्स पैटर्न सेम होता है आईबीपीएस और एसबीआई में ये ध्यान रखिएगा पैटर्न और लेवल सिमिलर होता है सम व्हाट्स आर लीफ, सम व्हाट्स आर लीव्स ऑल लीव्स आर ऑल लीव्स आर ट्रंक्स ऑल लीव्स आर ट्रंक्स ठीक कंक्लूजन यहां लिख दे रहा हूं पहला है ऑल ट्रंक बीइंग वुड्स इज अ पॉसिबिलिटी बीइंग वुड्स इज अ पॉसिबिलिटी और सेकंड सम ट्रंक्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी चेक करो तो दोनों हाँ आयुषी पूछो बेटा पूछो नहीं नहीं सभी एग्जाम की नहीं आपका बैंक का पैटर्न अलग है बाकी एग्जाम का पैटर्न अलग है इंटायरली अलग है आयुषी बेटा आयुषी गहलोत तो आप कुछ पूछना चाह रही हैं पूछ लीजिए नहीं नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं आते जरूरी नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही क्वेश्चन आए अच्छा अंजलि कर कह रही है, बोथ फॉलोज भारती खतरी भी कह रही है, बोथ फॉलो बाकी बच्चे भी आंसर करो फटाफट नहीं नहीं वो सिलोजिज्म का पार्ट नहीं बेटा वो डिफरेंट है वो डिफरेंट है वो हम लोग करेंगे बेटा वो सिलोजिज्म का पार्ट नहीं अच्छा चलो देखो ऑल पेपर्स आर वुड ये बनाया पेपर ये बनाया वुड सम वुड्स आर लीव्स वुड का कुछ पार्ट लीव में डाल दिया ऑल आर ट्रंक सारा लीव किस में डाल दिया ट्रंक ठीक ये पांच हमने पार्ट कर लिया अब ट्रंक का पार्ट देखो तो थ्री फोर फाइव है वुड का पार्ट वन टू थ्री है हमें पहले इस पार्ट को चेक करना एज नॉर्मल कंफ्यूजन ऑल ट्रंक बोल रहा है ऑल ट्रंक यानी सारा कॉमन होना चाहिए क्या सारा कॉमन है थ्री कॉमन है फोर फाइव तो बेटा कॉमन नहीं है तो जो पार्ट कॉमन नहीं है उसके बारे में पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा कैन नॉट डिटरमाइन क्योंकि हमें फोर फाइव का ना ही वन टू थ्री से कोई नेगेटिव रिलेशन पता ना ही पॉजिटिव तो इनके बीच का रिलेशन अभी क्लियर नहीं है फोर फाइव और वन टू थ्री के बीच का रिलेशन अभी क्लियर नहीं है तो इनके बीच का रिलेशन क्लियर नहीं है यानी कि इस पार्ट का आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन इस पार्ट का आंसर क्या करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन और इसके आगे क्या लगी बेटा पॉसिबिलिटी लगी हुई है तो कैन नॉट डिटरमाइन के आगे अगर पॉसिबिलिटी लग जाए तो हमारा आंसर तो ट्रू होगा हमारा आंसर क्या होगा ट्रू होगा उसी तरह सम ट्रंक बीइंग पी पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी तो ट्रंक का पार्ट तो थ्री फोर फाइव है और पेपर का पार्ट है वन कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा कॉमन नहीं यानी इस पार्ट का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन और अगर इस पार्ट का कैन कैन नॉट डिटरमाइन आंसर है आगे पॉसिबिलिटी लगी है तो ये भी ट्रू होगा यानी यहां आंसर होगा बोथ फॉलोस सबसे अच्छी बात आप लोगों में क्या है ना कि सभी बच्चे के आंसर सही है आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने आंसर गलत किया हो ये बहुत अच्छी बात है बेटा यानी आपको कंसेप्ट में अब कोई डाउट नहीं है आप आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बोलो अब पॉसिबिलिटी हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं चलो मैं इस पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं देखो अगर आपको यह लिखा हुआ मिल जाए इसको ध्यान से देखना नो वुड बींग ट्रंक इज अ पॉसिबिलिटी ये चेक करके बताओ मुझे पहले तो ये फिर दूसरा सम पेपर बीइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी ये दो चेक करके इस पर बताओ तो पहले इन दोनों को भी चेक करो इन दोनों को भी चेक करो ध्यान से हा मोहित बिल्कुल सही आंसर किया भारती ने भी बहुत अच्छे से आंसर किया है अरे ध्यान से करो बेटा सबसे पहले तो इसका इस पार्ट पर काम करो नो वुड बींग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी यानी वुड का कोई भी पार्ट ट्री में नहीं होना चाहिए ना पहला तो यही होना चाहिए कि वुड का कोई भी पार्ट ट्री में नहीं होना चाहिए यानी वुड और ट्री एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने चाहिए लेकिन यहां देखो तो बेटा वुड और ट्री में एक कॉमन पार्ट दिख रहा है यानी वुड और ट्री के बीच कैसा रिलेशन है कॉमन होने का मतलब कैसा रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है है क्या वुड और ट्री के बीच ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है तो वुड और ट्री के बीच कैसा रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है और ये कंक्लूजन कैसा है निगेटिव है तो रिलेशन अगर पॉजिटिव बन रहा है और कंक्लूजन अगर निगेटिव है इसका मतलब इस पार्ट का आंसर तो निश्चित तौर पर फॉल्स है मेरी बात समझो इस पार्ट का आंसर निश्चित तौर पर क्या है फॉल्स है क्योंकि वुड और ट्री के बीच एक कॉमन पार्ट दिख रहा है इसका मतलब वुड और ट्री के साथ आपस में पॉजिटिव रिलेशन है कैसा रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन तो वुड और ट्री का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है और कंक्लूजन बोल रहा है क्या निगेटिव तो रिलेशन पॉजिटिव कंक्लूजन निगेटिव यानी ये कंक्लूजन निश्चित तौर पर क्या है फॉल्स है अगर ये इसका आंसर फॉल्स आया तो फॉल्स कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी क्या होगी फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी इज फॉल्स फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी क्या होगी फॉल्स होगी हा बिल्कुल इसी तरह देखो सम पी बीइंग डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी P का पार्ट है वन W का पार्ट है वन टू थ्री सम का मतलब होता है एक कॉमन हमें तो यहां कॉमन दिख रहा है अगर सम में ये कॉमन दिख रहा है यानी इस पार्ट का आंसर तो ट्रू आ गया ना जी इस वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया ट्रू आ गया अगर इस पार्ट का आंसर ट्रू आ गया और आगे क्या लगी है पॉसिबिलिटी लगी है तो ट्रू की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी ट्रू की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी तो यहां हमारा आंसर क्या होगा फॉल्स होगा बोलो जी क्लियर हम्म तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया पॉसिबिलिटी फॉल्स कहां होते हैं पॉसिबिलिटी ट्रू कहां होते हैं चलो अब आगे की कहानी पर आते हैं कुछ टर्म्स हैं उसको जान लो अच्छे से ऐसे मैं बता दू इतना बढ़िया से पढ़ाता नहीं हूं मैं बैचेज में आप लोग अच्छे बच्चे हैं इसलिए आप लोगों को बड़े मन से पढ़ा रहा हूं वरना मैं भी इतना जल्दी नहीं आया जल्दी जल्दी निकालकर निपटा देता हूं ना आराम आराम से नहीं पढ़ाता चलो देखो कितना अब कुछ बात करते कुछ टर्म्स को लेकर बात करते जैसे देखो कभी कभी आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा शब्द फ्यू मेनी मच मोर मोस्ट ऑलमोस्ट मोस्ट एट मोस्ट कभी कभी कोई नंबर मिल जाए वन टू थ्री फोर या कभी कभी आपको परसेंटेज दे दी जाए परसेंटेज बिटवीन जीरो टू हंड्रेड परसेंटेज बिटवीन जीरो टू हंड्रेड ठीक है इन सभी का मतलब बेटा लेते हैं हम क्या सम लेते हैं क्या लेते हैं सम समझ में आ रही बात ना बेटे क्लियर चलिए इन सभी का मतलब क्या लेते हैं सम ये ध्यान रखिएगा ईच एवरी हंड्रेड परसेंट ईच एवरी एंड हंड्रेड परसेंट इसका मतलब क्या लेते हैं ऑल और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई प्रिफिक्स ना लगा हो कोई भी प्रिफिक्स ना हो जैसे ऐसे लिखा हो मिल जाए बॉयज आर इंटेलिजेंट बॉयज आर इंटेलिजेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ मुझे बॉयज आर इंटेलिजेंट तो बॉयज आर इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट जहां भी लिखा हुआ होता है ना तो देखो आप कोई प्रिफिक्स तो जुड़ा नहीं है सम है सम नॉट है ऑल है ऐसा नो no है ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है ना बॉयज आर इंटेलिजेंट इसका मतलब यहां खुद ब खुद क्या ऐड कर लेंगे ऑल एड कर लेंगे क्या मानेंगे इसे ऑल मानेंगे यानी ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट मानेंगे ठीक है ये ध्यान रखिएगा हां नन जीरो परसेंट है ना इनको कंसिडर क्या करते हैं नो कंसिडर करते हैं क्या कंसिडर करते, है? no करते हैं नो कंसिडर करते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट इसका मतलब नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट ठीक कभी कभी आपको कंक्लूजन्स में कैन बी मे बी मे नॉट बी ऐसा टर्म आ जाए ये जो सारे के सारे केस होते हैं ये केस किसके कंसिडर्ड होंगे पॉसिबिलिटी के ये केस किसके कंसिडर्ड होंगे पॉसिबिलिटी के अच्छा कभी कभी आपको ऐसा कोई शब्द मिल जाता है एटलीस्ट या डेफिनेटली ठीक है ना एटलीस्ट या डेफिनेटली जब ऐसा शब्द आता है ना तो इसको काट लेना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इट हैज नो मीनिंग इन सिलोजिज्म में में एटलीस्ट और डेफिनेटली ऐसे शब्दों की जरूरत ही नहीं है हमारे पास ठीक है अगर मैं कह रहा हूं सम बॉयज आर इंटेलिजेंट और अगर मैं इसके आगे एटलीस्ट सम बॉयज आर इंटेलिजेंट लगा दूं तो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है क्लियर बेटा तो एटलीस्ट जैसे शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें चलो इतना अगर समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले टर्म को समझने की कोशिश करते हैं हटाओ इसे अच्छा अब मेरी बात को सुनना और समझना मैंने कहा सम बॉयज आर इंटेलिजेंट लेस और अगर मैं कहूं ऑनली सम बॉयज आर इंटेलिजेंट क्या दोनों में फर्क है तो एक जगह मैंने कहा समय आर इंटेलिजेंट और फिर अब कह रहा हूं ओनली सम बॉयज आर इंटेलिजेंट इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है क्या कोई डिफरेंस है तो ध्यान रखना इन दोनों में एक डिफरेंस है बेटा और वो डिफरेंस क्या है बेटा ओनली का किसका बेटा ओनली का ये ओनली शब्द जो होता है यहां बोला जा रहा है हिंदी में बोल रहे हैं कुछ लड़के इंटेलिजेंट बुद्धिमान हैं और यहां बोला जा रहा है केवल कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं इन दोनों में क्या फर्क है अब जरा इसकी बात करते हैं देखो ये ओनली शब्द जो है ना ये पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव इंफॉर्मेशन भी देता है हमें दो तरह की जानकारियां देता है ओनली शब्द जिसकी जानकारी पॉजिटिव दी वो तो पॉजिटिव और बाकी सभी का नेगेटिव ये भी बता देता है ठीक है जैसे देखो हम लोगों के रियल लाइफ में क्योंकि अभी आप लोग नौजवान हैं आप लोगों के बीच काफी ऐसा होता होगा आपके जितने भी हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होते हैं तो वो जनरली क्या बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं आई लव यू यही बोलते ना तो आई लव यू जैसे ही ये बोला गया बेटा तो यहां ये समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करती हूं तुमसे करती हूं लेकिन बाकी किसी के ऑप्शन अभी क्लोज नहीं किए कहने का मतलब बाकियों से भी कर सकती हूं तो बेटा बच कर रहना अगर आपकी वाली ने ये बोला ना आई लव यू तो ये समझ लेना उनके लिए अभी दूसरे के ऑप्शन भी खुले हुए हैं नहीं क्लियर है बोलना क्या चाहिए बोलना चाहिए आई लव ओनली यू मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं मतलब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं इसका मतलब ये निकलेगा कि तुमसे करती हूं और किसी से नहीं करती तुमसे करती हूं और किसी से नहीं करती निगेटिव भी बता दिया इसने लेकिन यहां तो सिर्फ बोला गया मैं तुमसे प्यार करती हूं और किसी के बारे में नहीं बताया गया अभी आस पड़ोस में विजय अजय सूरज जो भी है उससे करती है या नहीं करती है नहीं पता तो मामला यही बिगड़ता है हम लोगों के साथ तो किसी भी कोई भी लड़की आकर यह बोल देती है लड़का खुश अरे मुझसे प्यार करती है तो उसने कहा गलत बोला उसने ये कभी थोड़ी ना बोला कि तुम्हारे सिवा किसी और से नहीं करती और किसी से कर रही तो गलती क्या है सावधान रहिए सतर्क रहिए तो बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, है ना समझ में आए तो जब तक मामला आई लव यू से आई लव ओनली यू नहीं होता तब तक बेटा समझ लेना कि अभी रिलेशनशिप का फ्यूचर कैन नॉट डिटरमाइन ठीक है कंफर्मेशन तभी मिलेगी जब बोला क्या जाए आई लव ओनली यू जब तक आई लव यू का सीन है कैन नॉट डिटरमाइन ये आते ही कंफर्मेशन ठीक है समझ रहे हो आज की? तो उसी तरह यहां भी होता है जब हम बात करते हैं ना ओनली सम बॉयज आर इंटेलिजेंट तो कुछ लड़के इंटेलिजेंट हैं नहीं केवल कुछ इंटेलिजेंट हैं केवल कुछ लड़के अगर इंटेलिजेंट हैं इसका मतलब बाकी के लड़के इंटेलिजेंट नहीं है इसका मतलब बाकी के लड़के इंटेलिजेंट नहीं है ठीक है क्लियर यानी जब ओनली सम आता है इसका मतलब आप क्या मानेंगे इसके दो मतलब निकलते हैं इसके दो मतलब निकल जाते हैं पहला सम बॉयज आर इंटेलिजेंट ये तो है ही है कुछ लड़के इंटेलिजेंट हैं ये तो है ही है और साथ ही साथ कुछ लड़के इंटेलिजेंट नहीं भी होंगे बाकी के इंटेलिजेंट नहीं भी होंगे केवल कुछ ही इंटेलिजेंट हैं इसका मतलब बाकी के नहीं है केवल कुछ ही इंटेलिजेंट है लेकिन बाकी के नहीं हैं समझ में आई मेरी बात यह चीज ध्यान में रखना तो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं और कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं ये दोनों मीनिंग निकल कर आते ठीक अब देखो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है लेटेस्ट पैटर्न उसमें मैंने आपको बोला ना कि सम को हम लोग अ फ्यू द फ्यू भी लिख सकते हैं फ्यू भी लिख सकते हैं अभी हमने देखा था देखा था ना कि सम का मतलब फ्यू भी होता है तो यहां भी फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट के आगे आपको लिखा हुआ मिल जाता है ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट तो ये आपका लेटेस्ट टर्म है ओनली अ फ्यू तो आइए चलिए जरा इसकी शुरुआत करते हैं ओनली अ फ्यू का मतलब क्या आएगा ओनली अ फ्यू का मतलब आएगा वही सम बॉयज आर इंटेलिजेंट साथ ही साथ सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट ठीक है तो अब ओनली अ फ्यू स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एग्जामिनेशन के लेटेस्ट क्वेश्चन कराता हूं जो आपके रीसेंट ट्रेंड बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड का है टर्म अ फ्यू और वो भी मैं आपको करा रहा हूं क्या आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 के यहां से ही ये ओनली अ फ्यू का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो शुरू करते हैं जरा 2018 से नहीं इसके बहुत 2019 से स्टार्ट हुआ था अच्छा अच्छा यहां था ना हम्म आओ भाई चलो देखते हैं जरा स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू ईस्ट आर वेस्ट सॉरी ईस्ट आर नॉर्थ चलो ठीक ऑनली अ फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ सेकेंड स्टेटमेंट है फ्यू नॉर्थ आर साउथ फ्यू नॉर्थ आर साउथ एंड ऑल साउथ आर वेस्ट ऑल साउथ आर वेस्ट कंक्लूजन देखिए ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी और सेकेंड है सम ईस्ट आर वेस्ट यह चेक करना मैं सम ईस्ट आर वेस्ट अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों जैसे ही ऑनली अ फ्यू लिखा हुआ मिल गया Only अ फ्यू only अ फ्यू का मतलब सम ईस्ट आर नॉर्थ ये भी होगा मतलब इसको दो स्टेटमेंट मान लेना सम ईस्ट आर नॉर्थ भी मानेंगे एंड सम ईस्ट आर नॉर्थ नॉर्थ भी मानेंगे सम और सम नॉर्थ दोनों मानते हैं सम और सम नॉट दोनों ही माना जाता है ये भी और ये भी यानी ये लिख लो आपको अगर दिक्कत हो ओनली अ फ्यू मीन्स ऑनली अफ यू मीन सम प्लस सम नॉ सम्राम बनाओ तो सम ईस्ट आर नॉर्थ और सम ईस्ट आर नॉर्थ नॉर्थ इससे होता क्या है बेटा पहले यह समझना सम ईस्ट आर नॉर्थ तो हमें एरिया नंबर टू की इंफॉर्मेशन दे रहा है।, है ना बेटा और सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ कौन से एरिया नंबर की जानकारी देगा सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ कौन से एरिया नंबर की जानकारी देगा बताओ तो फटाफट सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ कौन से एरिया नंबर की जानकारी देगा यस 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 वेरी गुड बेटा वेरी गुड यही पिक करना है यानी यहां हमें दो एरिया की जानकारी है वन की भी और टू की भी इस स्टेटमेंट से दो एरिया की जानकारी मिलती है चूंकि ये स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट में बंट जाता है तो भैया दो एरिया की जानकारी देता है बात खत्म फ्यू नॉर्थ आर साउथ फ्यू का मतलब सम बताया था ना तो सम नॉर्थ आर साउथ एंड ऑल साउथ इज वेस्ट ऑल साउथ इज वेस्ट लो भैया बन गया फिगर बन गया जी अब ध्यान रखना क्योंकि ये वाला निगेटिव स्टेटमेंट था तो हम निगेटिव एरिया को जरूर मार्क कर लेते हैं सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ यानी ईस्ट का एक पार्ट होगा जो नॉर्थ के साथ निगेटिव रिलेशन बनाएगा ईस्ट का कौन सा पार्ट है वन वन का नॉर्थ से निगेटिव नॉर्थ से मतलब टू थ्री फोर वन का निगेटिव तीनों से टू से भी थ्री से भी फोर से भी वन का निगेटिव टू थ्री फोर तीनों से होगा वन का निगेटिव टू थ्री फोर तीनों से होगा अब चेक करो ऑल ईस्ट बींग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी तो हमने क्या देखा था पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को पहले चेक करते हैं ईस्ट का पार्ट तो ईस्ट का एरिया नंबर वन टू और नॉर्थ का पार्ट टू थ्री फोर ध्यान से देखो ऑल ईस्ट ऑल ईस्ट का मतलब सारे ईस्ट को जाना पड़ेगा किसके अंदर नॉर्थ के अंदर टू वाला तो नॉर्थ के अंदर है अब वन को जाना है टू थ्री फोर में वन को जाना है टू थ्री फोर में लेकिन हमें तो पता है कि वन का टू थ्री फोर के साथ एक निगेटिव रिलेशन है यानी वन टू थ्री फोर में नहीं जा सकता क्योंकि इसका कैसा रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है यानी वन का टू थ्री फोर के साथ नेगेटिव रिलेशन है और ये कंक्लूजन क्या बनाने बोल रहा है रिलेशन कैसा पॉजिटिव बनाने बोल रहा है अब रिलेशन है नेगेटिव कंक्लूजन बोल रहा है पॉजिटिव बनाने इसका मतलब ये तो ठीक उल्टा काम करने बोल रहा है इसका मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट part का आंसर 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 क्या क्या है false है इस particular part का answer क्या है false है है फॉल्स 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 इस पर्टिकुलर पार्ट पार्ट का का अब अगर ये part का answer false है और इसके आगे लगी पॉसिबिलिटी है तो फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी यानी फॉल्स कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी क्या होगी फॉल्स ही रहेगी फॉल्स कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी क्या होगी फॉल्स होगी ठीक है दूसरा तरीका क्या था हमने बात किया था ना स्टेटमेंट के एक मीनिंग यह भी निकलता है सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ अब जरा इसको देखो यह है ऑल ईस्ट ईस्ट आर आर नॉर्थ नॉर्थ और ये है सम e क्या ये दोनों एक दूसरे के हैं भैया सम नॉर्थ और ऑल कॉन्ट्राडिक्टी हैं तो स्टेटमेंट का यह कंक्लूजन कॉन्ट्राडिक्ट्री हो गया जो स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन है वो तो निश्चित तौर पर फॉल्स होगा स्टेटमेंट के उल्टी बात कही गई तो यानी इसका आंसर निश्चित तौर पर फॉल्स होगा अगर ये फॉल्स है तो इसके आगे की पॉसिबिलिटी भी फॉल्स ही रहेगी ठीक है क्लियर चलो जी अब इसे देखो तो बेटा सम ईस्ट आर वेस्ट तो ईस्ट का पार्ट क्या है ईस्ट का पार्ट वन टू और वेस्ट का पार्ट क्या है फोर फाइव सिक्स क्या कुछ भी कॉमन अभी दिख रहा है इनके बीच नहीं क्या वन टू का फोर फाइव सिक्स से रिलेशन क्लियर है नहीं है क्लियर नहीं है यानी इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा कैन नॉट डिटरमाइन होगा सेकेंड वाले का क्योंकि ईस्ट और वेस्ट ईस्ट यहां वेस्ट यहां इनके बीच आपस में रिलेशन हमें क्लियर नहीं है इस वजह से इसका आंसर क्या होगा कैन नॉट डिटरमाइन होगा समझ में आया बेटा बोलो क्लियर है ये दोनों कंक्लूजन क्लियर हैं, तो इसका आंसर होगा नीदर वन नॉर टू फॉलो नीदर वन नॉर टू फॉलो चलो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा फिर तो मैं यही देखें यहां है क्वेश्चन तो वहां देखा चलो ऑनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी ओनली अ फ्यू मेलोडी आर फिल्म ओनली अ फ्यू मेलोडी आर फिल्म No film is award. No film is award. Chalo gi, conclusion decay. All song being film is a possibility. All song. बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी और सेकेंड है सम मेलोडी आर नॉट अवॉर्ड नहीं सेकेंड कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी नहीं लिखा था ना अब जैसे देखो ना यहां पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है तो हम नहीं मानेंगे ना केवल फर्स्ट में पॉसिबिलिटी था हम फर्स्ट में मानेंगे ठीक है आशीष सेकंड में पॉसिबिलिटी नहीं था सेकंड फॉलोज ओके वृंदा कह रही है सेकेंड फॉलोज गुड ध्यान रखना ओनली अ फ्यू मतलब सम प्लस सम नॉट यहां भी ऑनली अफ्यू है इसका मतलब सम प्लस सम नॉट देखो सम सॉन्ग आर मेलोडी ये बनाया सॉन्ग ये बनाया मेलोडी सम मेलोडी आर फिल्म सम मेलोडी आर फिल्म एंड नो फिल्म इज एन अवार्ड नो फिल्म इज एन अवार्ड यहां ध्यान रखना ढेर भर भर के निगेटिव इंफॉर्मेशन निगेटिव ही निगेटिव है जैसे हमें पता है सॉन्ग का एक पार्ट मेलोडी में नहीं जाएगा यानी पार्ट वन का निगेटिव है मेलोडी से तो पार्ट वन का निगेटिव है मेलोडी यानी टू थ्री फोर से मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना कुछ अभी बोलने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं ठीक है जैसे बोला गया ना कि ओनली अ हूँ मेलोडी का कुछ पार्ट फिल्म में नहीं जाएगा वो कौन सा पार्ट कंसिडर करेंगे फिलहाल वो पार्ट वो कंसिडर करेंगे जिसमें सिर्फ मेलोडी हो जिसमें सिर्फ मेलोडी हो ये वाले पार्ट को निगेटिव नहीं बना सकते फिल्म से क्योंकि ये वाला पार्ट सिर्फ मेलोडी का नहीं ये वाला पार्ट मेलोडी के साथ साथ सॉन्ग का भी है अब सॉन्ग का फिल्म के साथ तो हमें यहां स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं बताया गया तो हम सॉन्ग वाले पार्ट को नहीं ले सकते यानी टू को फिल्म के साथ निगेटिव अभी नहीं बना सकते केवल थर्ड पार्ट को निगेटिव बनाएंगे फिल्म के साथ थर्ड पार्ट का निगेटिव फिल्म फिल्म कौन कौन है फोर फाइव तो थ्री का निगेटिव फोर फाइव से और तीसरा देखो खुद ब खुद निगेटिव है सबसे बड़ा निगेटिव नो नो फिल्म इज अवार्ड तो फिल्म का पार्ट फोर और फाइव और इसका निगेटिव है सिक्स से तो फोर और फाइव का निगेटिव सिक्स से है तो हम ये कह सकते हैं ना कि फोर और फाइव का निगेटिव थ्री से भी है और सिक्स से भी है थ्री और सिक्स दोनों से फोर फाइव का निगेटिव है और वन का निगेटिव टू थ्री फोर से इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि जब निगेटिव आता है ना तो सारे निगेटिव पर काम करते हैं और ये जो सेट मैं करा रहा हूं ये आपके दो बीस का है यस yes, 2020, बिल्कुल सही सुना आपने नो, एसबीआई क्लर्क एस बी आई क्लर्क ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब पिछले साल के क्लर्क का पेपर आ जाओ देखो अब आंसर कैसे करेंगे सबसे पहले इस पार्ट को चेक करेंगे ना बेटा ऑल एस आर एफ तो एस सॉन्ग सॉन्ग का पार्ट है वन टू फिल्म का पार्ट है फोर फाइव अच्छा इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं ना अब हम चेक क्या करेंगे क्या इनके बीच निगेटिव रिलेशन है क्या फोर फाइव का निगेटिव वन टू में से मतलब वन टू का निगेटिव फोर फाइव से है क्या ध्यान रखना फोर और फाइव का निगेटिव अगर इनमें से किसी भी एक से हो गया चाहे वन से हो या टू से हो फोर फाइव इसका निगेटिव अगर इनमें से किसी भी एक से हो गया तो ऑल वाली बात फॉल्स हो जाएगी इसलिए चेक करेंगे क्या फोर फाइव का निगेटिव दोनों का निगेटिव वन या टू में से किसी एक से है तो फोर फाइव का निगेटिव थ्री और सिक्स से बताया गया और फोर और वन का निगेटिव बताया गया है तो फोर का वन से निगेटिव है लेकिन वन का फोर से निगेटिव है लेकिन वन का फाइव से क्या रिश्ता है क्लियर नहीं यानी ऑल वाली बात हमें क्लियर नहीं हो रही है और अगर क्लियर नहीं हो रही है तो हमारा आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन हमारा आंसर क्या होगा कैन नॉट डिटरमाइन वन का निगेटिव फोर से है लेकिन वन का फाइव से कैसा रिश्ता है नहीं पता और टू का तो किसी से भी निगेटिव नहीं है इनमें से मतलब कि अभी वन टू फोर फाइव में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकते और कंफर्मेशन नहीं कर सकते इस वजह से इसका आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन और जैसे ही इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन किया और इसके आगे लग गई पॉसिबिलिटी तो ये डेफिनेटली क्या होगा ट्रू होगा ये डेफिनेटली क्या होगा ट्रू होगा सम मेलोडी आर नॉट जो भी है मेलोडी आर नॉट अवार्ड मेलोडी का पार्ट टू थ्री फोर और अवार्ड का पार्ट सिक्स ध्यान रखना सम नॉट का कंक्लूजन है सम नॉट कब स्टैब्लिश होता है जब पहले वाले का कोई एक ऐसा पार्ट हो यही पढ़ा था हमने सम नॉट का मतलब कि पहले वाले का एक ऐसा पार्ट हो जिसका इसके होल पार्ट से नेगेटिव हो जाए कंप्लीट नेगेटिव हो जाए जो अवार्ड के साथ कंप्लीट नेगेटिव हो जाए क्या इनमें से कोई एक नंबर है जिसका सिक्स से नेगेटिव हो टू हो थ्री हो फोर हो क्या कोई भी एक नंबर जिसका सिक्स से नेगेटिव सिक्स से निगेटिव देखो किसका है सिक्स से निगेटिव किसका है बेटा सिक्स से निगेटिव एरिया नंबर फोर का है फोर जो है बेटा वो सिक्स में नहीं जा सकता यानी मेलोडी का ये पार्ट ऐसा है जो अवॉर्ड में नहीं जा सकता तो फोर जो है उसका सिक्स के साथ निगेटिव है रिलेशन स्टैब्लिश हो गया इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू होगा ये डेफिनेटली ट्रू होगा वृंदा पांडे वन का टू से निगेटिव होगा क्योंकि ये पार्ट में वन भी नहीं आ सकता क्यों क्योंकि ये पार्ट सिर्फ एस का नहीं है ये एम का भी है। और कुछ पार्ट ऐसा होना चाहिए जो एम के बाहर होना चाहिए सम नॉट का मतलब क्या होगा सम सॉन्ग आर नॉट मेलोडी इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि सॉन्ग का कुछ ऐसा पार्ट है जो मेलोडी के बाहर होना चाहिए अगर ये पूरा वन टू में चला जाएगा तो ये तो मेलोडी के अंदर आ जाएगा पूरा सॉन्ग और सॉन्ग पूरा का पूरा मेलोडी के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि सॉन्ग का सम पार्ट मेलोडी में नहीं है बोथ फॉलो होगा आंसर बिल्कुल 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 चलो मेरे ख्याल से यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा है ना तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले सेशन में ठीक है चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में